हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फलाहारी व्रत के खाने में समा के चावल की कचौड़ी पूड़ी और चार तरह के फलाहारी मूंगफली के आलू, सूखे आलू। तो उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो चाहिए हमें ये वाला, आप एक साइज ले लीजिएगा। मैंने ये बाउल लिया है भरा हुआ समा के चावल, इसको मोरधन भी कहते हैं और ये व्रत का होता है। तो ये मैंने लिया है एक बाउल। इसके लिए मैंने लिया है यही वाले बाउल के साइज का दो बाउल पानी। ये पानी है दो बाउल, इसको हम बॉईल करेंगे और उसमें हम समा के चावल पीस के मिक्सी में और हम इसमें पका करके फिर उसका आटा तैयार करेंगे। और इसमें हम चार से पांच ये अरबी मोटे कद्दूकस से या महीन से भी हम कद्दूकस करके इसमें साथ में पकाएंगे समा के राइस के साथ, आटे के साथ। आलू बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 से 12 उबले हुए आलू, एक बाउल मूंगफली दाना, इसको मैं भूनकर पीस लूंगी, दरदरा पीसूंगी। हरा धनिया जितना आपको चाहिए, मैंने आधा कप लिया है। चार हरी मिर्च, आपको ज्यादा चाहिए आप ज्यादा ले सकते हैं। और चटनी, चटनी हरी चटनी पीस करके। और ये लिया है मैंने नींबू का रस, ये है भुना जीरा, पिसा हुआ भुना जीरा। और हम लेंगे पिसी अदरक, ये हम लेंगे पिसी अदरक, मैंने पीस के रखा हुआ अदरक का पाउडर। और थोड़ी सी लेंगे हम पिसी लाल मिर्च, जितना आप खाना चाहें टेस्ट से। और सेंधा व्रत का नमक। तो ये सामान हम लेंगे और हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं पहले बनाऊंगी समा के चावल जो है ये, इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी और आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये समा का चावल है, ये मैंने मिक्सी में पीस लिया, बिल्कुल देखिए आटे जैसा हो गया। ठीक है, ये पिस जाता है, बहुत आसानी से पिस जाता है। और ये मैंने देखिए अरबी कद्दूकस कर लिया है ना। आप अरबी की जगह आलू डाल सकते हैं, लेकिन मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ तो मैंने इसमें अरबी डाली है। आप केला उबाल कर, कच्चा केला उबाल कर उसको कद्दूकस करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं समा के चावल की कचौड़ी में, आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसमें जितना समा का चावल है उसका डबल इसमें मैं पानी बॉईल करने के लिए डालूंगी। गर्म पानी करेंगे हम जब, और इसमें हम डालेंगे पानी में नमक, थोड़ा ही नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। मैंने तकरीबन आधा टीस्पून के करीब डाला है। ठीक है, पिसी अदरक आधा टीस्पून, भुना जीरा 1 टीस्पून। ठीक है ना, और ये डाली है मैंने थोड़ी सी, जो मैंने चार हरी मिर्चें ली थी ना उसमें से मैंने ये करीबन 2 हरी मिर्चें, 1.5 हरी मिर्च इसमें डाल दी है। ठीक है, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च। अब हम इसका बॉईल होने के लिए इंतजार करते हैं, पानी बॉईल हो रहा है। देखिए ये गरम हो गया है पानी, इसमें मैंने ये अरबी कद्दूकस करी जो अरबी है ये डाल के इसमें मैंने ये चला दी है, जिससे ये इसमें इवनली मिल जाए, बिल्कुल एक सा इवन हो जाए, है ना, कद्दूकस किया हुआ है इवन होकर के पूरे में मिक्स हो जाए, है ना। ये ऐसे ये मैंने अरबी इसमें डाल दी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपना समा का चावल डालना शुरू करेंगे।
और इसको हम पकाएंगे। देखिए गाढ़ा होने लगता है ये, ठीक है ना, ये देखिए गाढ़ा होकर के सिमटने लगे, इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए अब ये सिमटने लगा है ना। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी रिफाइंड ऑयल, एक दो चम्मच, है ना, दो टेबलस्पून डाला है मैंने अभी, जैसे ये अच्छे से सिमट जाए। ये देखिए ये देखिए आटा तैयार हो गया हमारा, कितना बढ़िया। ये पूरा हमारा समोसा आटा अरबी के साथ मसाले के साथ बढ़िया एकदम ये तैयार। इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। मैं नॉन स्टिक में बना रही हूं तो ये बिल्कुल ही स्टिक नहीं करेगा, वैसे भी स्टिक नहीं करेगा ये, लेकिन नॉन स्टिक में बनाने से थोड़ा सा हम वो रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, स्टिक तो नहीं करेगा ये, है ना। और ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें, ये देखिए ये हो गया ना। अब हम इसको 10 बंद कर रहे हैं गैस को, 10 मिनट इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स देखिए वो मेरा जो मैंने बनाया है समा का आटा पकाया है वो रेस्ट कर रहा है 10 मिनट के लिए, उसको मैंने ढक के रखा है। तब तक हम ये आलू बना लेते हैं फलारी के, अपने आलू मूंगफली के। मैं पहले मूंगफली लाल करके मिक्सी में पीस लूंगी और फिर मैं आलू बनाऊंगी। ड्राई रोस्ट कर रही हूँ कढ़ाई में, तब तक ये देखिए मेरा ये आटा रेस्ट हो रहा है, ये आटा रेस्ट कर रहा है मेरा समा का, है ना। और मैं इसको मूंगफली को आलू बनाने के लिए सूखे आलू व्रत के ये मैं मूंगफली ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और लाल लाल ड्राई रोस्ट करके इसको मैं मिक्सी में पीस लूंगी। अब हम बना रहे हैं अपने ये आलू, इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, इसमें मैंने ये डाल दी है मूंगफली, देखिए महीन मैंने पीस ली है दरदरी, बहुत महीन नहीं करनी है मूंगफली, बस इसको हल्का सा ऐसे चलाएंगे मूंगफली को। इसमें आलूओं को बहुत बिल्कुल नहीं भूनना, ये आलू बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप मूंगफली के छिलके निकालना चाहते हैं छिलके निकालिए, नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये मूंगफली चला दी है मैंने, अब इसमें मैं ये डालूंगी अपने ये उबले हुए और ये कटे हुए आलू, ठीक है। ये आलू इनको हम थोड़ा सा चला दें जिससे मूंगफली इवनली मिल जाए। आलू इन आलुओं को बहुत भूनने की जरूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी बनते हैं ये, और इनको हम 4 तरह से बनाएंगे। अभी हम एक तरह के ये बना रहे हैं सेंट्रली, इन्हीं को हम डिवाइड करके अलग अलग फ्लेवर्स में बनाएंगे व्रत के लिए, है ना। ये है अब मैंने इसमें डालना है नमक, आप स्वाद अनुसार नमक डालिए, लाल मिर्च, इसमें बहुत सारा मसाला मत डालिए शुरू में ही, क्योंकि क्या है अदरक पिसा हुआ, भुना हुआ जीरा इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच, और ये हरी मिर्च जो मैंने कतर के रखी थी बची हुई है। अब हम इन सबको मिला देंगे अच्छे से जिससे ये इवनली पूरा मिल जाए मसाला, नमक मसाला सब ना बढ़िया। और ये हम सब मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं, तेज फ्लेम पर नहीं करेंगे हम ये सब, नहीं तो हमारी मूंगफली बहुत सिक जाएगी। ये आलू तैयार है हमारे, अभी मैंने फ्लेम धीमी कर दी है क्योंकि मूंगफली भी सिक रही है ना इसके साथ आलूओं के साथ। देखिए कितना अच्छे से इसका पूरा मसाला मूंगफली के साथ
मिल गया है। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसके समा के चावल की जो हमने आटा बनाया है उसको देखेंगे। अगर वो तैयार है और सिमट गया है, फूल गया है, तो हम उसको थोड़ा सा नीट करेंगे, हाथ से मल लेंगे, अच्छे से उसको गूथ लेंगे। आलू हमारे ये तैयार हैं सेंट्रली। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया, बढ़िया एकदम। अब मैं इसमें थोड़ा सा हाथ चिकना करके इसको नीट करूँगी। थोड़ा सा गर्म है अभी भी, ठंडा नहीं हुआ है 10 मिनट में, है ना, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, हाथ नहीं जले, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा रुक कर करती हूँ, मेरा को काफ़ी गर्म लग रहा है मेरे हाथ में। बड़े आराम से देखिए कितना अच्छा आटा तैयार हो गया। देखिए ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी लोई तैयार हो रही है ना इसकी। अब मैं इसमें रिफाइंड डाल करके इसको हाथ से तैयार करूँगी, थोड़ा और गुनगुना हो जाए, छूने लायक हो जाए, क्योंकि गर्म लग रहा है। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा ये छूने लायक हो गया है, ठंडा तो अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये छूने लायक हो गया कि मैं इसमें हाथ लगा सकती हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा तेल का हाथ लगाती जा रही हूँ और इसको मैं सुधारती जा रही हूँ, समेटती जा रही हूँ, है ना। तो ये हमारा स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा है। देखिए आप, सिमट रहा है बड़े आराम से, देखिए, है ना। तो हम खूब अच्छे से मल लेंगे। जैसे कई लोग इसकी बेल कर बनाते हैं, आप इसकी हाथ से मोटी मोटी कचौड़ियाँ भी उतार सकते हैं, करारी करारी। आप फोर्क से इसमें दो दो होल करके, जैसे गोद करके, छेद करके, और फिर इसकी मठरी जैसी कचौड़ी उतार सकते हैं। कई तरह से आप इसको अपना उतार सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप पूड़ी उतारिए, आप इसकी छोटी छोटी पराठियाँ जैसी सेक लीजिए तवे के ऊपर, आपको डीप फ्राइड नहीं पसंद है तो। ये आपके ऊपर है, आप कैसा पसंद। देखिए मेरा आटा ये तैयार है। अब मैं जैसे पेड़ी बनाकर आपको दिखाती हूँ, हाथ थोड़ा सा चिकना करा, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया। अभी फट रहा है, अभी और समेट देती हूँ इसको मैं। ये जितना आप इसको मल लेंगे ना, इतना अच्छा हो जाएगा। आप बेलन से भी बेलकर इसको कर सकते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और आप ऐसे इसको तल सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं ये, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने चकले पर फॉइल लगाया है और ये मैं ना कचौड़ी बेल रही हूँ इसकी, और मैंने अपनी थाली में भी तेल लगा लिया है। इसकी बहुत पतली पतली आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने देखिए ये रखा हुआ है, इसमें गरम अपना गुनगुना ही है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। ये मैंने लोई बना ली है, है ना, लोई बना ली है। उस पर मैंने थोड़ा सा ये तेल लगा लिया है, बहुत हल्के हाथ से हम इसको ऐसे बेल लेते हैं, ये देखिए, है ना, इसे आग में ये हो गई। अब मैं इसके आपको हाथ से दिखाती हूँ और फोर्क से गोद के दिखाती हूँ। वो फोर्क होता है ना अपना, ये फोर्क से मैं आपको इसकी मठरी गोद के दिखाती हूँ। ये है ना अपनी, ऐसे बन गई छोटी सी। थोड़ा सा फिर ये फूलेगी बिल्कुल भी नहीं, और आप इसको करारा करारा अपना आप इसको बेल तल सकते हैं बहुत आराम से। ये देखिए हल्का सा मैंने इसको गोद दिया है और ये बहुत आराम से आप इसको तल सकते हैं करारा करारा, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको ऐसे नहीं बनाना, आप इसको सीधे ऐसे पेड़ी बनाइए। थोड़ा सा ऑयल का ग्रीस करिए हाथ को, बस ऐसे ऐसे बनाइए, ये हो गए, और तल लीजिए और तल लीजिए। मैं आपको इस सारी तरह की उतार के दिखाती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये तली है पूरी, कितनी सुंदर तली है, है ना। ये अपने आप इसको सिकने के लिए टाइम दीजिए, इसको टाइम चाहिए होता है। जैसे इसको हम छुएंगे नहीं, डालेंगे। मैंने ये एक करी है, ये देखिए, ये मैंने इसको डाल दिया, उसको हम छुएंगे नहीं, बस हम इसको ऐसे करेंगे, ये नीचे ना चिपके, बस आ गई ऊपर,
ये सिकते ही ऊपर आ जाती है। अब ये फूल गई, मैं इसको छूंगी नहीं, इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगी जो मैंने अभी डाली है ना। इसको थोड़ा हम टाइम देंगे इसको सिकने के लिए, इसको लाल होने दीजिए, करारा होने दीजिए। ये देखिए हमने पलट दी, ये वाली जो मैंने अभी डाली थी इसको मैं टच नहीं कर रही है ना, थोड़ा इसको टाइम देते हैं हम सेकने के लिए। ये लाल लाल होने दीजिए, तो ऐसे ये बढ़िया क्रिस्प होकर के तैयार होगी। देखिए ये जो गोदी थी ना मैंने, वो है ये छेद दिख रहे होंगे आपको है ना, ऐसी ये लाल लाल हो रही है। होने दीजिए इसको सेकने दीजिए, ये मैं निकाल दूंगी कि इसमें तेल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल तेल नहीं है इसमें। इसको होने देते हैं, इसको होने देंगे अभी हम, उसको नहीं टच करेंगे हम है ना। ये मैं एक और डाल, उसको भी हम टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी है ना, ऐसे हम पूड़ियां तल लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी है पूड़ी समा के आटे की है ना। अब मैं आपको अलग अलग तरह के आलू बताती हूँ कैसे हम करते हैं। देखिए ये हम बनाएंगे, 2 चम्मच मैंने डाला है नींबू, इन्हीं आलूओं को हम नींबू के बनाएंगे। इसमें मैंने कोई खटाई नहीं डाली है, किसी भी तरह की कोई खटाई नहीं है, है ना। ये हम एक बाउल बनाएंगे नींबू के आलू, इसमें हम नींबू का रस मिला लेंगे ऐसे ऐसे। ये मिल गया इसमें नींबू का रस, ये नींबू के रस के आलू हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं है ना। ये हो गए नींबू के, ये हो गए नींबू के है ना। अब हम बनाएंगे थोड़े से आलू चटनी के, चटनी इसमें हम बस 1 चम्मच ये व्रत की चटनी है हरे धनिए की डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे यही वाले आलू। मैं आपको अभी एक एक सर्विंग बाउल की बता रही हूँ, आप इसी तरह से अलग अलग भी बहुत सारे बना सकते हैं इसी मिश्रण से, इसी तरीके से। ये हो गए हरी चटनी के आलू, आप खाकर देखिएगा लाजवाब लगते हैं इस कचौड़ी के साथ, समा के पूड़ी के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। ये हो गए हमारे हरी चटनी के आलू। अब हम एक बनाएंगे दही के, इसमें मैंने डाला है 4 चम्मच नमक, जीरा, मिर्च, ये दही में डाला हुआ है, और मैंने इसमें ये आलू डाल दिए। ये हो गए दही के आलू, हरी मिर्च पड़ी हुई है इसमें पूरे में है ना, बाकी सब मसाला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दही की हल्की सी इसमें खटास आती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हो गए, और ये हमारे हैं जो हमने अभी नॉर्मल आलू बनाए थे वो। तो इस तरह से आप ये 4 तरह के आलू और ये अपनी 4 तरह के ये आलू और ये पूरी समा की, ये आपका प्लेटर एक तैयार है व्रत के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और आप मेरे अनूठी चैनल पर आते रहिए, मुझे हौसला बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। और आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे अनूठी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे
फेसबुक और इंस्टा पे भी अनूठी है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पे भी। बेल आइकन दबाकर आप नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स को बताइए और एंजॉय करिए फलाहारी व्रत का खाना। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।